नर्सरी में निगरानी रखें। अगर बीमारी या कीटाणु का हमला हो तो तुरंत इसका रोकथाम करना चाहिए। बुआई के 17 से 18 दिन में पौधे 12.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई में होगा। आम तौर में जब इसका 3 से 4 पत्ता निकल जाए तो समझना चाहिए कि यह रोपाई के लिए तैयार है। रोपाई करने के लिए खेत अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है। धान रोपाई मशीन से काम करने के लिए लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की गहराई से जुताई होना चाहिए। चिकनी मिट्टी में रोटावेटर फीट किए हुए ट्रैक्टर से मताई करनी चाहिए। मताई के बाद खेत के पानी को निकाल लेना चाहिए और 24 से 36 घंटे बाद रोपाई के लिए खेत तैयार हो जाता है। ऐसा करने से खेत में मजबूती आती है, जिससे यह मशीन का वजन सह सकता है। मशीन को खेत में उतारने के समय खेत में भी पानी होना चाहिए, जिससे मशीन की उंगली में पौधे नहीं चिपकते। इसका मतलब यह है कि पानी उंगली को धोने के काम आता है। जब खेत तैयार होता है तो रोपाई से बस 6 से 12 घंटे पहले नर्सरी बेड से पानी निकाल लें। क्यारी में से पौधा उठाकर रोपाई से सीडलिंग डिब्बा में सावधानी से रख दें। जिस दिन बेड से पौधा निकाले, रोपाई उसी दिन करना जरूरी है। किसान भाई, अब हम हाथ की रोपाई और मशीन की रोपाई का अंतर देखते हैं। अब हम धान रोपाई मशीन के विशेष गुणों में नजर डालते हैं। यह अपने आप चलने वाला, बैठकर चलाने वाला मशीन है, जो एक ही बार में 8 क्यारियों में एक साथ रोपाई कर सकता है। हल्का वजन, 4 HP डीजल इंजन, खेती के काम करने के लिए लोहे के पहिए, रोपाई मशीन आसानी से इस्तेमाल होता है। इसमें पौधे से पौधों को हम 10 सेंटीमीटर से 23 सेंटीमीटर तक बदल सकते हैं और क्यारी से क्यारी की दूरी 23.8 सेंटीमीटर होती है।